और इसके थ्रू आप भी थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो कि आपको यहाँ पे कैंपस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए शर्मा नेम इज अनंत यादव एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ आप जरा बता दीजिए यहाँ पे फैकल्टी कैसे हैं और क्लास में कैसा ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे कि आज स्टार्टअप के ऊपर यहाँ पे काम कराई जाती है कोई स्टार्टअप का इनकोशन सेंटर है ऐसा कुछ सो हेलो एवरी वन वेलकम टूज चैनल आज के सुने में आ गया हूँ यूनिवर्सिटी जो कि गुड़गांव में ठीक है इनका तीन चार कैंपस है तीन कैंपस है ठीक है गेट गुड़गांव लोधी रोड तो यहाँ पे अभी मैं गुड़गांव वाले कैंपस में हूँ और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से बात करेंगे जो बीटेक के अंदर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो इनका क्या एक्सपीरियंस है और इसके थ्रू आप भी थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो कि आपको यहाँ पे कैंपस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए क्या प्रॉज है क्या कौन से क्या यहाँ पे फैकल्टीज़ रहते हैं और कैसा प्लेसमेंट वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है कैसा कैंपस लाइफ है तो ये सब आपको वीडियो में देखने को मिला वीडियो में लास्ट तक बने रहना चलिए स्टूडेंट से बात करते हैं आप लोग जरा अपना इंट्रो कर दीजिएगा लावना शर्मा बी टेक सी एस से हो आप सेक्टर नाइन्टी थ्री गुड़गांव गुड़गांव से हां जी माय नेम इज अनंत यादव एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक सीएसई एंड आई एम फ्रॉम सेक्टर 4 गुरुग्राम अभी आप यहां पे कौन से कोर्स में हो और यहां पे कैसा एक्सपीरियंस है आप यहां पे जो स्टडी कर रहे हो कौन से ईयर में हो आई एम पर्स्यूइंग बीटेक सीएसई एंड मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड सेम चल रहा है एंड सो फार सो गुड कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं हो रही है जो होती है हमारे मेंटर्स हैं वो सॉल्व कर लेते हैं एक और सवाल रहेगा यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या था आपके जब एडमिशन मैंने पहले ऑफलाइन आके यहाँ पे देखा था एंड देन ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर लिया था आप जरा बता दीजिए यहाँ पे फैकल्टी कैसे हैं और क्लास में कैसा टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका फैकल्टीज़ तो यहाँ पे बहुत अच्छे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है काफ़ी हम डाउट्स आस करते हैं तो वो उनका रिस्पॉन्स भी देते हैं अच्छे से एक्स्ट्रा क्लास भी वो लेने को तैयार रहते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहें तो अभी तक तो बहुत ही सपोर्टिव है जहाँ तक है कैंपस लाइफ भी अच्छी है यहाँ पर आप सब कुछ कर लोकेशन सकते है बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा ओल्ड गुड़गांव वो न्यू वालों के लिए कनेक्टिविटी नहीं है बस बाकी सब तो ठीक बाकी है बाकी बाहर से आना है। बस थोड़ा सा से 500 मीटर की दूरी पे है गर्ल्स हॉस्टल कैंपस पे हम बात करेंगे अभी क्या है कि बीटेक करने के बाद भी कहीं कहीं ना कहीं जॉब में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को तो यहाँ आयल यूनिवर्सिटी के अंदर गुड़गांव वाले कैंपस में ऐसा क्या एक्स्ट्रा कराया जा रहा है ठीक है कोडिंग कल्चर कैसा है कि आप आगे चल के आपको प्लेसमेंट में हेल्प मिलेगा बेसिकली यहाँ पे एप्पल के साथ हमारा कोर्स भी चल रहा था पहले तो अभी वो दोबारा रीस्टार्ट होगा और आई बी एम एंड है कोडिंग कल्चर अच्छा है हमारे उसमें। सब लोग भी भी होते होते हैं हैं और वो सब तो तो अभी तक तो अच्छा ही है आप बताइए यहाँ पे अटेंडेंस का क्या रहता, क्या रहता है अटेंडेंस क्राइटेरिया कुछ ऐसा है हाँ मतलब है ही वो तो आई मीन हर कॉलेज में ही होता है हमारा थोड़ी सी लीनियंसी है बट फिर भी स्ट्रिक्ट तो है ही हाँ सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट रखने पड़ते हैं हाँ ठीक है हा। उसके बाद हम बात करेंगे कि आज स्टार्टअप के ऊपर यहाँ पे काम कराई जाती है कोई स्टार्टअप का इनकोबेशन सेंटर है ऐसा कुछ यहाँ पे एक क्लब तो है स्टार्टअप के लिए जो करता है लेकिन उसमें बेसिकली आप एनरोल करना चाहो आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं तो वहाँ पे अच्छा सिखाया जाता है अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया वो क्लब लेकिन जहाँ तक अच्छा ही बताया जाता है वहाँ पर क्लब्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं फेस्ट वगैरह ये सब होता है हाँ फेस्ट होता है अभी भी फिफ्टी और सिक्सटीन को यहाँ पे एनअल फेस्ट है एल का और इवेंट्स भी होते रहते हैं कई सारे क्लब सोसाइटीज़ हैं क्लब्स हैं जो अरेंज कराते रहते हैं एक और जो मेजर डाउट होता है स्टूडेंट का कि यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ना कहीं क्राउड ज़्यादा देखने को मिलता है जैसे यूनिवर्सिटी नाम जुड़ जाती है ना कॉलेज के साथ तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा क्राउड होगा

ठीक है तो यहाँ के स्टूडेंट का आपने रिव्यूज होना ठीक है बाकी और भी कैंपस टूर इस वाले पार्ट से नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगा और मैं ट्राई करता हूँ और स्टूडेंट से कनेक्ट करूँ और आपको रियल जो फीडबैक है वो देखने को मिले बाकी और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो आपको हेल्प मिल जाएगा थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को भी बहुत बहुत थैंक यू